अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। वेलकम टू रिजदास किचन। आज हम बनाने वाले हैं रमज़ान स्पेशल चिकन चीज़ बॉल। हमने बिल्कुल इजी तरीके से बनाए हैं, ये बच्चों को बहुत पसंद आएगी इंशाल्लाह। आजकल बच्चों को चीज़ की ही चीज़ें पसंद आती है, इसके लिए हमने सोचा कि ना हम चिकन चीज़ बॉल बनाएं। अब हम रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पर आधा किलो बोनलेस चिकन का कीमा बना के रख दिए हैं, 2 टेबल स्पून बटर, 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, टेस्ट के हिसाब से नमक, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब्स, 1 टीस्पून वाइट पेपर, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, ग्रीन चिली 7 से 8 और हरी धनिया के पत्ते। हमने ये सब चीज़ें रेडी करके रख दिए। अब हम एक जार में सारे इंग्रेडिएंट डाल के उसे ग्राइंड कर लेंगे। जितने भी हमने मसाले लिए हैं सारे इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ग्राइंड किया हुआ मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब इसमें हम 2 टेबल स्पून जो बटर था उसको मेल्ट किए और इसे डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बटर डालने से इसमें सॉफ्टनेस आती है, इसके लिए हम बटर डाल रहे हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर देंगे। मैरिनेट की हुई चिकन अब रेडी है चीज़ बॉल बनाने के लिए। हमने हथेली पे तेल लगा के एक लीमू जितना पेड़ा लिए हैं और अच्छे से उसे फ्लैट कर रहे हैं। हमने अमूल चीज़ के एक स्लाइस को 4 टुकड़ों में कट किए हैं। एक टुकड़ा अभी हम इसमें फोल्ड करके इसमें डाल देंगे और 1 टीस्पून के करीब मोज़रेला चीज़ भी डालेंगे। चीज़ को हम चिकन में अच्छे से पैक कर लेंगे। पूरी तरफ से हमें पैक करना है ताकि चीज़ बाहर ना आ जाए और इसे गोल शेप दे देंगे। इसी तरह हम एक एक चीज़ बॉल को इसमें कोट करते रहेंगे, डालते जाएंगे। हमने इसमें कॉर्नफ्लोर और मैदा दोनों मिक्स डाले हैं, 2-2 चम्मच डाले हैं। अब हम सारे चीज़ बॉल बना के रख दिए हैं। अब ये रेडी है क्रम्स लगाने के लिए। अब एक अंडा लेंगे, उसमें 1 पिंच सॉल्ट, 1 पिंच ब्लैक पेपर पाउडर, 1 पिंच चिली फ्लेक्स, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से बीट कर लेंगे अंडे के साथ। अंडा अच्छे से बीट हो चुका है। अब चीज़ बॉल को इसमें डिप करेंगे और बटर क्रम से कोट करेंगे। इसे प्रेस करते हुए हम बटर क्रम्स लगाएंगे। इसी तरह सारे चीज़ बॉल हम रेडी करके रख देंगे क्रम्स लगा के। सारे चीज़ बॉल को हमने क्रम्स लगा के रेडी कर लिए। अब एक कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और एक एक करके जितने ये कढ़ाई में जाएंगे उतने डालते रहेंगे। इसे हम स्लो फ्लेम पर ही फ्राई कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर में इसे टर्न करते रहेंगे। इसका कलर गोल्डन होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अब ये गोल्डन हो चुके हैं, इसे टिश्यू पेपर पर निकाल के सर्व करेंगे। चीज़ बॉल को हमने सॉस के साथ सर्व किया है। आपको अगर चटनी चाहिए तो चटनी भी सर्व कर सकते हैं। अब इसे हम तोड़ के बताएंगे कि अंदर से कैसे लग रहे हैं। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से चीज़ ही लग रहे हैं ना। हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। दुआओं में याद कीजिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।